नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बात की थी भारत के भौतिक विस्तार के बारे में, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, एक बहुत ही जनरल टॉपिक है जो प्रशासनिक दृष्टि से और आपको जानना बहुत जरूरी है उसके बारे में। तो दोस्तों वह है प्रवाल, यानी कि कोरल इंग्लिश में कहते हैं, जैसे जो हमारा द्वीप है कौन सा, लक्षद्वीप, और ऑस्ट्रेलिया की जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो प्रवाल बनी हुई है, जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो प्रवाल भित्ति है, और अपना जो लक्षद्वीप है वो प्रवाल द्वीप है। तो ये प्रवाल होते क्या हैं, आज हम उनके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों जो आपने कई बार घोंगा देखा होगा, तो घोंगे का आकार का ही होता है, घोंगे जैसा ही होता है, तो इसका आकार लगभग 2 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है। सेकंड बात आती है ये रहते का है, दोस्तों ये रहते वहां है जहां मतलब समुद्र का जो उछला हुआ पानी हो, यानी कि हम लोग हमारा जो भारत के तट है पूरी पश्चिमी, तो उसे जैसे नीचे आगे बढ़ेंगे तो गहराई बढ़ती जाएगी, लेकिन थोड़े से और आगे जाएंगे, यानी कि मान लो ये अपना नीचे वाला हिस्सा है, यहां से धीरे धीरे यहां बढ़ेंगे इस साइड में, तो ये तो है ना कि जैसे तट के नीचे उतरे समुद्र बहुत गहरा आ गया, धीरे धीरे गहराई बढ़ती है। तो ये क्या होता है कि जो उछला हुआ सागर होता है उसमें पाए जाते हैं, क्या, प्रवाल, जिन्हें कोरल कहते हैं, ठीक है। और ये उष्णकटिबंधीय है, यानी जहां गर्म जल धारा है या जहां का समुद्र का पानी गर्म रहता हो वहां पाए जाते हैं। कौन कौन से अक्षांश में, 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ अक्षांश रेखा के बारे में पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं, तो आप वहां से देख लीजिएगा, काफी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। रहते कहा है, छिछले महासागर में, यानी थोड़ा जो उठा हुआ भाग होता है ऐसे, मान लो समुद्र का तल है वही ऐसे उठा हुआ भाग होता है ना, तो ये यहां रहते हैं, ठीक है, यानी कि नीचे की ओर। और बात आती है, अब देखो ये समुद्र, अब ये जो महासागर बड़े बड़े, ठीक है, उसमें छिछले महासागर में ही रहते हैं, जो कि हल्का सा उठा हुआ होता है, किस प्रकार ऐसे, इनका आकार लगभग 2 सेंटीमीटर लंबा होता है। और दोस्तों जो इनका मुख्य भोजन है वो है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ठीक है दोस्तों। तो क्या होता है, जो ये CaCO3 होता है ना, उनका जो इनका जो खोल होता है, जैसे घोंगे का जो खोल होता है ना ऊपर का, वैसे इनका भी जो खोल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। तो ये लोग कहां रहते हैं, ये उथले माना यहां पर ऐसे ये मान लेते हैं शुरुआती दौर, ठीक है। ये लोग, इनका मुख्य भोजन कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CO3, ठीक है, और ये अपने जो खोल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का उसी के अंदर रहते हैं, ठीक है। सेकंड चीज क्लियर हो गई। अब बात आती है कि लक्षद्वीप समुद्र तो बहुत गहरा होता है, तो मतलब इतना बड़ा लक्षद्वीप और जो ग्रेट बैरियर रीफ जो काफी 1600 या 1900 किलोमीटर लंबी है और 160 किलोमीटर चौड़ी, तो ऐसा मतलब कैसे बनते हैं, तो कैसे बनते हैं दोस्तों, अब ये प्रक्रिया, ये तो है कि 4-5 दिन में हो जाती है, ये प्रक्रिया होने में लगभग हजारों लाखों साल लगते हैं। और ये जो प्रवाल होते हैं वो एक या दो प्रवाल नहीं होते हैं, करोड़ों की संख्या में प्रवाल होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जैसे इन्होंने घोंगा बनाया या उछले महासागर में गर्म पानी होता है 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ की अक्षांश रेखाओं के मध्य, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो उनका घरौंदा होता है उसी के अंदर ये मर जाते हैं, ठीक है। जब इसी के अंदर मर जाते हैं तो उन्हीं के ऊपर जो दूसरे प्रवाह होते हैं इनके ऊपर अपने क्या बनाते हैं, वो निवास बना लेते अपना। अब क्यों बनाते हैं, इसका रीजन यहां पर दो है, एक तो छिछला महासागर, दूसरा जो उनका जो खोल था CaCO3 का, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का, वो उसको अपना उनका भोजन तो उसको वो खा लेते हैं और वो इसके ऊपर ही आ जाते हैं। अब क्या होता है, ये भी मर जाते हैं और वो खोल वही रह जाता है, और फिर ऐसे करके नई पीढ़ियां बनती थी, वो ये प्रक्रिया लगभग चलती रहती है। हम मानते हैं कि यहां पर इसका समुद्र का सतह है, ठीक है, ये लगभग काफी टाइम लगता है इसमें, ये
अब लक्षद्वीप काफी चौड़ा है, मतलब गोला गोला बना हुआ है, तो द्वीप हो गया। अब ग्रेट बैरियर रीफ काफी लंबी है, यानी 1900 किलोमीटर लंबी है और 60 किलोमीटर चौड़ाई में है, तो उसका क्या है कि वो एक दीवार यानी भित्ति के टाइप में हो गई। यानी अगर हम माने तो ये भित्ति हो गई जो नीचे है, और ऊपर कौन सा हो गया, द्वीप। ठीक है, ठीक है दोस्तों। हाँ, अब ये जो ये होते हैं, अब इनको क्या है कि सूर्य की रोशनी की जरूरत होती है और ऑक्सीजन की। अब ये क्या, सूरज की जो सूरज जो रोशनी है वो ज्यादा गहराई में तो पहुंच नहीं सकती, इसलिए क्या चलो छिछले महासागर में ये पाए जाते हैं। ठीक है, और इनको बनने में काफी साल, हजारों लाखों साल लग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और इनके बारे में कोई ज्यादा वो नहीं है, और अगर आपको और कुछ ज्यादा जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर जान सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल जो भित्ति है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, नक्शा आप मुझे इतना बना लीजिएगा, यहां पर इसकी जो पूर्व दिशा की ओर ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कि लगभग 1900 किलोमीटर तो लंबी है और 160 किलोमीटर चौड़ी है। ठीक है, अब ये फेमस क्यों है, बहुत फेमस है, जो तैराक गोताखोर होते हैं, जो तैरने अगर कोई ऑस्ट्रेलिया जाता है घूमने के लिए तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है यहाँ पे, और जो गोताखोर होते हैं उनके लिए तो बहुत ही जरूरी। मालूम दोस्तों क्यों, ये जो प्रवाल होते हैं वो बहुत चटक रंग बिरंगे होते हैं, जब रंग बिरंगे होते हैं तो क्या समुद्र के नीचे की जो जगह है तो रंग बिरंगी वाले बहुत ऐसा मौसम होता है, ऐसा मतलब देखने में इतना शानदार लगता है, तो लोगों का पसंदीदा है, इससे क्या है कि ऑस्ट्रेलिया को बहुत अच्छी इनकम होती है। ठीक है, पहली बात तो है। दूसरा ये है कि इसमें क्या जिनके बीच में मान लो वो थे ऐसे, तो इनके बीच में थोड़ी थोड़ी जगह रह जाती है। ठीक है, ज्यादातर थोड़ी थोड़ी, तो उसमें क्या होती है मछलियां होती है ना, जो वो क्या छोटी मछलियां अपने इसके अंदर अंडे दे देती है, तो क्या उनके लिए क्या हो गया निवास स्थान। ठीक है, और फिर क्या होता है कि उनको निवास मिल गया और आप उनको भोजन भी मिल जाता है। भोजन किस तरह, अब घोंगे बनते हैं तो जैसे कोई घोंगा बाहर आया और मछलियों का निवाला बन गया, भोजन बन गया, तो मछलियों के लिए फायदेमंद हो गया कि उनके लिए निवास स्थान मिल जाता अच्छा, और एक सुरक्षा, सुरक्षा कैसे, अब मानो कोई बड़ी मछली है आए खाने के लिए तो फटाफट जो छोटी छोटी मछलियां हैं अंदर घुस जाती है, वो घुस नहीं पाती, तो और भोजन हो गया, निवास सुरक्षा और भोजन तीनों चीजें मिल जाती है। अब वो छोटी छोटी मछलियां तो वो भी काफी रंग बिरंगी होती है, यानी यहाँ का काफी खुशनुमा माहौल हो जाता है, बहुत अच्छा माहौल हो जाता है, इससे ऑस्ट्रेलिया को काफी इनकम होती है। इन्हें मूंगा द्वीप भी कहते हैं, कौन सा द्वीप, मूंगा द्वीप। ठीक है, इतना काफी आपके लोगों के लिए कि प्रवाल क्या होते हैं, प्रवाल घोंगों की तरह होते हैं, इनका आकार लगभग 2 सेंटीमीटर लंबा होता है, ये अक्षांश 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ के बीच में पाया जाता है, जो कौन सा कटिबंध होता है उष्ण कटिबंध के बीच में पाए जाते हैं, और जो गर्म जलधारा है यानी जो गर्म पानी होता है समुद्र का उसमें ही पाए जाते हैं, ये समुद्र की छिछली सतह पाए जाते हैं, जो उठी हुई सतह होती है उसके ऊपर, क्योंकि वहां पर सूरज की रोशनी और ऑक्सीजन आराम से पहुंच पाता है। ठीक है दोस्तों, ये मतलब जनरल टॉपिक है, आपको ये तो अगर आप एग्जाम की कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपको मतलब ये चीजें तो आनी चाहिए क्योंकि ये बहुत जनरल चीज है। ठीक है, अब मैंने तो आप जैसे यहाँ बन गया तो गोला बनता है, किसी भी आकार में बन जाते हैं, कोई प्रवाल द्वीप कहलाता है, कोई प्रवाल भित्ति कहलाती है, जो द्वीप का जो नीचे का हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है भित्ति, और ऊपर का भार जो उठा होता है वो बन जाता है द्वीप। ठीक है, अब बात थी ग्रेट बैरियर रीफ की, ये ऑस्ट्रेलिया के लिए एक तो इनकम के साथ फायदेमंद है, दूसरा इस साइड से आने वाले जो तूफान आते हैं या जो सुनामी आती है उससे किसी सुरक्षा कर देती है ऑस्ट्रेलिया की, यानी सुरक्षा के हिसाब से फायदेमंद है और इनकम के हिसाब से भी बहुत फायदेमंद है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ दोस्तों आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज वीडियो को यानी कि शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, जिससे क्या है आपको फायदा होगा और मुझे फायदा होगा, मुझे ये फायदा होगा कि मेरा जो चैनल अच्छा ग्रोथ करेगा, और आपको फायदा ये होगा जो मेरी जो न्यू वीडियो आएंगी वो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो दोस्तों प्लीज
सब्सक्राइब तो कर ही देना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।